chapter number 2, 60th verse, which is the primary chapter of Atma Gyan, where Shri Krishna is explaining variety of aspects to Arjun. Har ek living being human ke andar teen dharaen flow karti rehti, teen dharaen flow karti. Pehli dhara ज्ञान की धारा, जानते हो, दूसरी धारा है कर्म की धारा, और तीसरी धारा है भाव धारा. ज्ञान धारा, कर्म धारा, भाव धारा. जब तक मेरी भाव धारा परिवर्तित नहीं होगी, मैं परिवर्तित नहीं होऊंगा. और मेरा भाव मेरे कर्म को जान देता, मेरा ज्ञान मेरे कर्म को जन्म नहीं देता है, मेरा भाव मेरे कर्म को जन्म देता है. मेरे कर्म मेरे भाव की छाया है, मेरे ज्ञान की छाया नहीं है. जब तक वो धारा परिवर्तित नहीं होगी, तब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी, और जब तक कर्म की धारा परिवर्तित नहीं होगी, तब तक भाव की धारा स्ट्रांग नहीं होगी. कृष्ण यही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो हमले होने देता है और उन हमलों को अतीत के कर्मों की श्रृंखला मानता है और उनको साक्षी भाव से और शांति भाव से झेल लेता है, और जो संघर्ष है, समाधिस्थ होने की जो यात्रा है, उसमें वो परमात्मा को, प्रभु को, जीवन तत्व को, ब्रह्म को, आप जिसको जानते हो उसको, उस पर छोड़ देता है, उसका पूरा का पूरा उस पर छोड़ देता है. उसके लिए यात्रा बड़ी सरल हो जाती है. सो जो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ छोड़ देता है, उस गहरी साधना में लगा व्यक्ति, संयम संयम की उस यात्रा पर निकला व्यक्ति, अपने पर ही भरोसा नहीं कर लेता, वो परम तत्व पर छोड़ देता है, समर्पण कर देता है.